मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जनरल अवेयरनेस पेज नंबर 32। आवर टॉपिक इज विथ माय फैमिली। टिक द थिंग्स यू लाइक टू डू विथ योर फैमिली। हम लोग को इस पेज में क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ऊपर वहाँ पे अपसाइड यू कैन सी वन बॉक्स इज गिवन एंड समथिंग इज रिटन डाउन। सो आप लोग को रीड करना है कि इस पिक्चर में हम लोग फैमिली के जो पिक्चर दिया है वो क्या हम फैमिली के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को बाहर घूमने जाना है तो क्या हम फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। देन इफ़ वी हैव टू ईट अवर डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट, सो व्हाट, वी कैन ईट विद अवर फैमिली। हम लोग डांस करते हैं तो क्या हम फैमिली के साथ डांस कर सकते हैं। सो इन दिस पिक्चर ऑल थिंग्स आर गिवन और ऊपर बॉक्स दिया है। अगर वो पिक्चर हम लोग फैमिली के साथ कर सकते हैं देन वी हैव टू पुट अ टिक मार्क। सो द फर्स्ट पिक्चर इज थिंग्स और डांस टुगेदर, सिंग और डांस टुगेदर। क्या हम लोग अपने फैमिली के साथ गाना गा सकते हैं या फिर डांस कर सकते हैं? क्या आप लोग अपने फैमिली के साथ गाना गाते हो, डांस करते हो? सो इफ़ येस, अगर आप करते हो सो टिक ऑन दैट बॉक्स, अगर आप नहीं करते हो सो डोंट टिक। नेक्स्ट पिक्चर इज प्ले टुगेदर, क्या मम्मी पापा आपके साथ खेलते हैं बॉल बैट के साथ, कैरम, लूडो? सो अभी तो लॉकडाउन है सो सब लोग फ्री है, तो क्या आपके मम्मी पापा आपके साथ खेलते हैं? आपको अभी तो गार्डन में जाने नहीं मिलता है सो आप लोग को फैमिली के साथ ही खेलना पड़ता है। सो यू ऑल प्ले टुगेदर विथ योर फैमिली, yes, so tick on that box. Next picture is celebrate festival, जब दिवाली होती है, होली होती है, तो क्या आप लोग अकेले अकेले खेलते हो, अकेले अकेले celebrate करते हो festivals? No, आपके घर पर guest आते हैं, जब दिवाली होती है तो दादा दादी आते हैं, मामा मामी आते हैं, आप लोग मामा मामी के घर पर जाते हो तो सारी family साथ में मिल के celebrate करती है ना, so we celebrate festival together. नेक्स्ट पिक्चर इज ईट टुगेदर, जब आप लोग खाना खाने बैठते हो, डिनर करने बैठते हो, तो आप लोग अकेले अकेले रोटी सब्जी खाते हो कि मम्मा पापा दादा दादी भाई बहन सब लोग साथ में खाते हैं? वी ईट टुगेदर, हम लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं तो हम लोग साथ में बैठते हैं, किसके साथ? फैमिली के साथ, सो टिक मार्क। नेक्स्ट इज ड्रॉ और पेंट टुगेदर, आप लोग फैमिली के साथ कभी ड्राइंग करते हो? अगर आप लोग अकेले करते हो, होमवर्क मम्मी करवाती है साथ में, देन यू हैव टू टिक। अगर आप लोग अकेले बैठ के करते हो, मम्मी आपको हेल्प नहीं करती है, पापा नहीं करते हैं, देन यू डोंट टिक, ओके? सो आवर नेक्स्ट पेज इज व्हाट एल्स यू डू टुगेदर, ड्रॉ इन द स्पेस गिवन बिलो। ये वाले पेज में आप लोग और क्या क्या फैमिली के साथ करते हो, सो वो पिक्चर्स आपको ड्रॉ करना है। अगर आप लोग लूडो खेलते हो साथ में या फिर कुछ और करते हो, और एक्टिविटीज़ करते हो, देन यू हैव टू ड्रॉ पिक्चर्स। आप लोग अपने तरफ से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सी फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम ड्रॉइंग वन सर्कल एंड अनदर सर्कल, this is my mama, this is my papa, so we all are going to picnic and I am drawing one bus over here. So in this bus we all are going to picnic. And I am here. So this way you can make any kind of picture. Next is write your mother's father's name and your house address on the envelope and draw a stamp. इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फोर लाइंस ड्रॉ दी है, वहाँ पे राइट साइड में एक बॉक्स दिया है, आपको यहाँ पे आपका मम्मा का नाम, डैडी का नाम और नीचे आपको आपके हाउस का एड्रेस लिखना है।
और जो बॉक्स दिया है ना उसमें आपको स्टेम ड्रॉ करना है। आप लोग कैसे भी कोई भी स्टेम ड्रॉ कर सकते हो, वन सर्कल बनाया, देन अपसाइड, अंदर आप लोग वो स्टैम्प में कुछ लिख सकते हो। सो दिस वे यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ स्टैम्प। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। एंड बिफोर वाला पेज जो हम लोग ने टिक मार्क किया वो क्लास वर्क है। सो होमवर्क में आपको आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम और आपके हाउस, आप घर का जो भी हाउस है, आपका घर है, उसमें आपका सोसाइटी का नेम, आपका सोसाइटी घर नंबर, हाउस नंबर, सो यू ऑल यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस। एंड बॉक्स में आपको स्टैम्प ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू।